द लॉर्ड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुसन नायका सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। नमस्कार, मेरा नाम सुसन नायका है और मैं आपके सामने बैठकर परमेश्वर के वचन को बता रही हूँ। डू यू नो दैट गॉड हैज चूजन यू एंड अनॉइंटेड यू व्हाइल यू वर इन योर मॉम्स वूम। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और अभिषेक किया है जब से आप अपनी माँ के गर्भ में थे। You all say that I'm still a child, illiterate and unaware of Bible because you think of yourself that you're worthless, but it's not like that. आप सभी लोग कहते हैं कि मैं अभी भी बच्चा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं Bible के बारे में नहीं जानता, क्योंकि आप अपने आप को बेकार समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। I'll explain you through Bible verses, Jeremiah 1 verse 5 to 10. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Allah, sovereign Lord, I said, I don't know how to speak. I am too young. But the Lord said to me, do not say I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth. See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Amen. अब मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगी यिर्मयाह पहला अध्याय का 5 से 10 तक। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जाति और राज्य पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिरा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। आमीन। So here Jeremiah was thinking that he was too young and couldn't speak well. तो यहाँ पर यिर्मयाह सोच रहा था कि वो बहुत छोटा है और वो सही से नहीं बोल सकता है। Made him realize that he will do everything God asked him to. After all, they had him a prophet before he was born. तो परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि वो सब कुछ कर सकता है जो परमेश्वर उसे करने के लिए बोलेंगे। और वैसे भी परमेश्वर ने यिर्मयाह को जब वो अपनी माँ के घर में था तब से ही चुन लिया था और भविष्यवक्ता ठहराया था। Likewise, in Exodus 4 verse 10 says, Moses said to the Lord, Pardon your servant, Lord. I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. The Lord said to him, Who gave human beings their mouths? Who makes them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? Now go, I will help you speak and will teach you what to say. इसी तरह से यिर्मयाह 4 अध्याय का 10 में कहता है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। आमीन। So here also Moses felt the same way as Jeremiah, and in both the cases God made them realize that they can do anything, they are not worthless. और यहाँ पर भी मूसा को वैसे ही महसूस हुआ जैसे यिर्मयाह को हुआ था, और परमेश्वर ने दोनों ही स्थिति में उन्हें ये महसूस कराया कि वो सब कुछ कर सकते हैं, वो बेकार नहीं है। Therefore, never think that you are worthless, you are weak, you can't do anything, because Lord Jesus Christ is always with you. He is with you in every work you do. इसलिए आप कभी भी ना सोचे कि आप अकेले हैं, आप बेकार हैं, आप कमज़ोर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जान लीजिए कि यीशु मसीह आपके साथ है। आपके हर कार्य में जो आप करते हैं वो उसके साथ है। So trust him with all your heart. तो उन पर भरोसा रखें अपने पूरे हृदय से।
Now keep your right hand on your head and I'll pray for you all. May the Holy Spirit come upon you, fire descend upon you, power of God come upon you, angels descend upon you, and may you become as powerful as Moses and Jeremiah. I bless your feet, I bless every part of your body, and now I set the devil on fire who is making you feel worthless. I turn him into ashes, blind him, and finally I free everyone in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. अब आप सभी अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रखिए और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप सभी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे, आग उतरे, परमेश्वर की सामर्थ उतरे, स्वर्गदूत उतरे और आप सभी लोग मूसा और यिर्मयाह की तरह शक्तिशाली बने। आप सभी के पैरों को मैं ब्लेस करती हूँ, हर एक शरीर के अंगों को ब्लेस करती हूँ और जो भी शैतान आपको बेकार महसूस करा रहा है उसको मैं आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, राख बना देती हूँ, अंधा बना देती हूँ, जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अंत में मैं आप सभी को फ्री आज़ाद करती हूँ यीशु नाजरी के नाम में। आमीन, हालेलुया। लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट यू आर चूज़न बाय गॉड, सो यू ऑल्सो हैव टू डू प्रेयर एज आई डू एंड शेयर दिस बाइबल वर्सेस विद योर लव्ड वंस सो दे वुड ऑल्सो गेट टू नो अबाउट समथिंग न्यू। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग परमेश्वर के द्वारा चुन लिए गए हो, तो आप लोग भी प्रार्थना करिए जिस तरह से मैं प्रार्थना करती हूँ और इन वचनों को आप सभी लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो लोग भी कई नई बातों को जान सके। गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।